11 बजे के लगभग राउटी शिवगढ़ रोड स्थित बायड़ी गांव में एक कार असंतुलित होकर पुलिया से नीचे नाले में जा गिरी। हादसे में कार चालक युवक की मौत हो गई। कार में महिला और बच्चे भी सवार थे जो बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही शिवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में कल्याणपुरा थाने के गांव झायड़ा रहवासी नीलेश पिता कमल सिंह नायक की मौत हो गई। शिवगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक नीलेश परिवार के साथ शादी समारोह में आया था। बताते हैं कि वह रात को पत्नी और बच्चे के साथ शिवगढ़ से बासिंद्रा में अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था कि कार असंतुलित होकर शिवगढ़ के रास्ते बायड़ी के नाले में जा गिरी। कार पानी से भरे नाले में गिरने से उसमें सवार पत्नी और बच्चे तो सही सलामत बच गए, उन्हें मामूली खरोच आई, लेकिन नीलेश की गंभीर चोट आने से मौत हो गई। हाँ, यहाँ से सीधी गई गाड़ी। देवों के देव महादेव के वैसे तो कई ऐसे मंदिर हैं जो चमत्कारी व रहस्यमय हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां महज प्रसाद की खीर खाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित इस मंदिर में हर साल संतान सुख की चाह के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये मंदिर रतलाम से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे विरूपाक्ष महादेव व भूल भुलैया वाला शिव मंदिर भी कहा जाता है। विरूपाक्ष महादेव जन जन की आस्था का केंद्र है। श्रावण मास और शिवरात्रि पर बाबा के दरबार में सैकड़ों श्रद्धालु हर दिन दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। महू नीमच फोरलेन पर रतलाम से करीब 30 किलोमीटर दूर बिलपांक ग्राम है। मुख्य सड़क से पूर्व की ओर करीब 2 किलोमीटर अंदर विरूपाक्ष महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ महाशिवरात्रि पर मेला लगता है जिसमें देश भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। मान्यता है कि बाबा महादेव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सबसे खास बात यह है कि मंदिर में महाशिवरात्रि पर हवन के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है, जिसे खाने से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। बताया ये भी जाता है कि जब खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद संतान की प्राप्ति होती है तो श्रद्धालु एक बार फिर बच्चे के साथ बाबा के मंदिर में मत्था टेकने के लिए आते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ। क्या कुछ सुना था यहाँ के बारे में, किस तरीके की, आपको पता कैसे चला यहाँ पे, किस तरीके का प्रथा है? एक्चुअली हूँ मैं महाराष्ट्र से, पर मैं 2 साल से यही रतलाम रह रही हूँ। तो वहाँ से पड़ोसियों से पता चला कि जो बिलपंग महादेव जी, वो मतलब यहाँ पे जिनको बच्चा नहीं हो रहा है या फिर जिनको बेटा चाहिए, जिनको संतान प्राप्ति नहीं है, वो यहाँ पे महाशिवरात्रि के तीसरे दिन यानी अमावस्या के दिन आके यहाँ पे जो 3 दिन से यज्ञ पे जो खीर पकता है, उस खीर को ग्रहण करने से आपको 1 साल में या फिर 2 साल में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो मैं भी महादेव की कृपा से, मेरे को भी संतान नहीं है, तो शीघ्र ही महादेव मुझ पे कृपा करे, यही मेरी इच्छा है। कितने समय पहले, क्या पहले कभी आए यहाँ पे? जी ये मेरा 2रा साल है, अगले साल भी मैं आई थी। लास्ट ईयर। नाम बताया? मेरा नाम अंबिका है और मेरे हस्बैंड के नाम महादेव है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, शोलापुर से बिलोंग करता हूँ। किस तरीके से जानकारी लगी आपको, यहाँ के क्या महिमा है, क्या देखते हैं आप यहाँ पे आते हैं? एक्चुअली क्या है, मेरा यहाँ पे सर्विस चल रहा है गुजरात गैस लिमिटेड में, CIL में जॉब करता हूँ मैं। हमारा गैस पाइपलाइन का इंस्पेक्शन का एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है, तो हम यहाँ होने की वजह से कोई सहयोगी मित्रों से हमको पता चला कि यहाँ पे बिलपांग पे, मतलब हम कंटिन्यूसली आते रहते हैं इधर बिलपांग जी के, महादेव जी के दर्शन करने के लिए, तो वहीं से हमको पता चला कि ये शिवरात्रि के तीसरे दिन में मतलब खीर का ग्रहण करने से यह संतान प्राप्ति होती है। ये श्रद्धा है, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से हम लोग भी आए हैं, वही एक आस्था रख के कि हमको महाराष्ट्र से आते होंगे यहाँ पर काफ़ी लोग। हाँ, तो वही है, उसकी वजह से हम भी यहाँ पे आए हैं। महादेव, क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की? काफ़ी आकर्षक मंदिर है, खंभों से बना हुआ। ये जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना है और यहाँ पे मान्यता यह है कि यहाँ के जो खंभे हैं ये 64 खंभे हैं, परंतु इनको जब गिना जाता है तो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाती है,
एक बार में कभी भी खंभे सही गिन नहीं पाते कोई भी व्यक्ति। और यहाँ पर जो मान्यता ये है कि यहाँ पर एक हवन होता है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, जो हवन होता है अमावस्या के दिन उसकी पुण्याहुति होती है, और उसके बाद में जो खीर प्रसादी वितरित की जाती है उस पर निसंतान महिलाएँ, ऐसी महिलाएँ जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, वो खीर प्रसादी ग्रहण करती है, तो उसके बाद में उनकी मनोकामना यहाँ पर भगवान विरूपाक्ष महादेव की वजह से पूर्ण होती है। उसके बाद में या जो भी महिला है जिसकी मान्यता पूर्ण होती है अपने बच्चों को यहाँ पर तोलने के लिए भी मंदिर पर हर साल प्रतिवर्ष यहाँ पर बच्चों को तोला जाता है। शहर में आवारा कुत्तों का हर तरफ आतंक है, मगर निगम सुस्त और निष्क्रिय ही साबित हो रही है। आवारा पशु हो या आवारा कुत्ते, शहर की हर गली में इनका आतंक परवान पर है। चाहे राहगीर हो या बच्चे, ये कब किसे अपना निशाना बना ले कोई नहीं जानता। निगम के जिम्मेदार तो कुंभकर्णीय नींद में रहते हैं। इन आवारा कुत्तों की नसबंदी, जी हाँ बाध्याकरण की बात कर रहे हैं, इस नसबंदी में भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। कांग्रेस नेता फैयाज मंसूरी ने कहा, किसका बध्याकरण हुआ और कहां हुआ, जहां जाओ वहां आवारा कुत्तों का झुंड नजर आता है। गली मोहल्लों से निकलना जनता के लिए दुभर हो गया है, चारों तरफ कुत्तों का आतंक है। जी बताएं भैया भाई, जिस तरह से इन्होंने लाखों रुपए का टेंडर किया था नगर निगम वालों ने, उसके बाद उस टेंडर की प्रक्रिया को देखते हुए क्या इन पे आवारा पशुओं पे इनकी लगाम लग पाई है? जिस तरीके से रतलाम शहर में बच्चों से लगा के बड़ों तक को श्वान कुत्ते जो हैं वो काट रहे हैं, और उसकी वजह से रतलाम शहर में कुत्तों का और श्वानों का आतंक हो गया, और रतलाम नगर निगम में उनके बाधिकरण के लिए जो टेंडर हुए थे उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुए हैं, और उस भ्रष्टाचारों की वजह से इन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए के बाधिकरण किया गया, और उनको प्रेजिडेंट ग्राउंड जो श्रवण जमणिया में इन्होंने मनाया है वहाँ पर इन्होंने छोड़ा। पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि रतलाम शहर में इन्होंने इस चीज़ की कोई व्यवस्था करी है। आप ये देख लीजिए कि रतलाम शहर में जितने भी गली मोहल्लों में जाओ श्वानों का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर बच्चा या फैमिली कोई निकलने को तैयार नहीं है। अभी दो दिन पूर्व हुई अलकापुरी क्षेत्र में एक बच्ची के साथ बहुत बड़ी घटना हुई, उन बच्चियों के साथ जाने के बाद वहाँ पर सोनों ने उसको चीरफाड़ कर दिया। उसी तरह का अब सिविल हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाओ, उनके जो कुत्ते काटने के जो इंजेक्शन लगते हैं वो भी उपलब्ध नहीं रहते हैं, और जो परिजन रहते हैं उनको बाहर से लाने के लिए बोला जाता है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, और मैं रतलाम शहर की जनता से भी गुजारिश करता हूं कि आप और हम सबको मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए कि जो गरीब और जो बच्चे परेशान रहते हैं, और जो बच्चों के परिजन बाजार से इंजेक्शन खरीद के नहीं ला सकते, और जिला सरकारी अस्पताल में वो बाजार से खरीदने के लिए बोलते हैं, प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहे। जी ये जो बध्याकरण का टेंडर हुआ था, क्या कहें किस तरह का भ्रष्टाचार, जैसा अभी आपने आरोप लगाया कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये तो सब ये खाना पूर्ति वाली बातें हैं। सिर्फ अगर इन्होंने बाध्यकरण करा और लाखों रुपया करोड़ों रुपया उसके ऊपर लगा दिया, तो फिर इतने कुत्ते और इतने स्वर्ण शहर में कैसे घूम रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, इसका जवाब नगर निगम दे सकती है क्या? अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपए मेरे खर्च हो गए, कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट, 70 हज़ार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है, क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टेक्ट नंबर 07-412-35-6268-6263-79-1851।
प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात फिर 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए, जिसमें रतलाम, सीधी, उमरिया, झाबुआ, दमोह और विदिशा में नए कलेक्टर की पदस्थापना की गई है। रतलाम कलेक्टर भास्कर लक्षकार को राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। वहीं रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम को बनाया गया है। विदिशा कलेक्टर उमा शंकर भार्गव को राज्यपाल के अपर सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई है। वहीं बुद्धेश कुमार वेद को विदिशा कलेक्टर बनाया गया है। धरणेंद्र कुमार जैन को उमरिया कलेक्टर बनाया गया है। स्वरोचित सोमवंशी को सीधी कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा नीमच कलेक्टर नेहा मीना को झाबुआ कलेक्टर बनाया गया है, जबकि झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा को मध्य प्रदेश वित्त निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। सुधीर कुमार कोचर को दमोह कलेक्टर बनाया गया है। रतलाम कलेक्टर भास्कर लक्षकार की जगह कलेक्टर राजेश बाथम सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे।